दोस्तों आवाज किए बिना ध्यान से सुनिए, आज महाराज विक्रम एक ऐसी पहेली हल करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। महल तो सच में बहुत विचित्र है। चलो अंदर। महाराज ये तो बिना सिर का धड़ है। अरे महाराज ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंहासन पर बैठा हुआ धड़ और ये सिर एक ही इंसान का है। ये देखिए महाराज। राक्षस राज खरासुर दुष्ट था, उसके पास जादू शक्ति थी और उसके आतंक से सारी पृथ्वी कांपती थी, और पृथ्वी जीतने के बाद उसकी दृष्टि स्वर्ग पर पड़ी। एक दिन भयानक लड़ाई में इंद्र ने अपने वज्र से खरासुर का सिर काट कर उसे इस बक्से में रखवा दिया। ये है इस राक्षस राज की कहानी। लेकिन हमें इसके धड़ को नष्ट कर देना चाहिए, अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो मुंजा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे। जाने इस घोड़े को क्या हो गया है। महाराज यहाँ अवश्य कोई है, लगता है कोई जंगली जानवर होगा। चलो हम चलते हैं मुंजा। अरे अरे इन्हें क्या हुआ। सैनिक यहाँ कौन आया था। वहाँ महाराज हमें तुरंत गुफा में चलकर देखना चाहिए। महाराज यहाँ तो उस राक्षस का सिर और धड़ दोनों गायब हैं। मुझे डर है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, हमें किसी भी कीमत पर उस राक्षस को खत्म करना होगा। महाराज उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये राक्षस फिर से कैसे जिंदा हो गया। रे अंगूठी ये तो बता, किसने की है राक्षस को जिंदा करने की खता।
तांत्रिक कौन है? इसका पता चल जाएगा महाराज। राक्षस राज खरासुर, मैं आपके सेनापति उलुक का पौत्र हूँ। तुम्हारी इस वफादारी को हम याद रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उस इंद्र से बदला लेना है। नहीं राक्षस राज, इंद्र से लड़ने से पहले आपको इस राज्य के राजा विक्रम से निपटना होगा। उसके होते आप कभी सफल नहीं हो सकेंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी उस विक्रम को खत्म करके उसके राज्य को कब्जे में लेता हूँ। तो ये है सारी कहानी, लेकिन हम इस राक्षस को खत्म कैसे करेंगे? मुझे लगता है इसका उत्तर हमें इंद्रदेव के पास ही मिलेगा। तुम चिंता मत करो विक्रम, उसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल वज्र से ही हो सकती है। ये लो वज्र। किंतु इसका प्रयोग केवल एक बार ही हो सकता है। इंद्रदेव, उस दुष्ट राक्षस का वध एक ही बार में हो जाएगा। ये दोनों कहां छिप गए हैं? तो आ गए चूहे पिंजरे में। इनसे इंद्र का वज्र मैं छीन कर रहूंगा और फिर उसी वज्र से उस इंद्र को मारकर अपना बदला लूंगा। इस दुष्ट राक्षस ने हमारे सैनिकों को बंदी बना लिया है। आखिर ये चाहता क्या है मुंजा? इंद्र का वज्र। तो ये बात है, मैं अभी तेरा खात्मा किए देता हूँ। महाराज, उसके पैरों को देखिए, ये खरासुर नहीं उसका माया जाल है। आप एक बार ही वज्र का प्रहार कर सकते हैं। तुम ठीक कहते हो मुंजा, हमें असली खरासुर को ढूंढना ही होगा। वज्र हमारा हुआ। इंद्रदेव को हमसे कोई नहीं बचा सकता है। छोड़ो हमें, छोड़ो। महाराज, चूहा फंस गया। धोखा, धोखा। देखा थी ना कितनी रहस्यमय कहानी। आज महाराज विक्रम ना होते तो न जाने क्या होता। खैर, अंत भला तो सब भला। आप